आज हम सलवार कटिंग कर रहे हैं। सलवार का कपड़ा हमारा 2 मीटर है। इस कपड़े की हमने ये ऐसा सिंगल है, इसको हमने इस तरह से डबल कर दिया। ये हमारी सलवार कटिंग हो रही है, इसको हमने कपड़े को डबल कर दिया और इसकी लंबाई रखेंगे हम 32 इंच। इंच की लंबाई है। पहले हम कपड़े को इसको एक सार कर लेंगे। अगर हमारा कपड़ा एक सार नहीं है तो इसको एक सार कर लीजिए। ठीक, अब हम ऐसे ही इसको 32 इंच निशान लगाते चले जाएंगे। ये हमारा 32 इंच हो गया। अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे। यह हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था और इसको हमने 32 इंच काट लिया है। और इसके मोहरी जो रखते हैं हम 5 इंच। सलवार तो हमारी 4 ही कली की है, लेकिन हम इसमें से कटिंग 2 ही कली करेंगे, 2 इसमें ज्वाइन रहने देंगे। और मोहरी के लिए हमने 5 इंच रख दिया और 2 इंच हम इधर से एक्स्ट्रा 2 इंच इधर से लेंगे और 2 इंच हम इस कोने से लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 2 इंच इस कोने से, हम इस कोने पे मिला देंगे। हमने इस कोने से इस कोने पर मिला दिया। एक कली हमारी ये है और एक कली हमारी ये है। डबल है कपड़ा तो डबल कली हमारी ये है, डबल कली हमारी है। ये हो गया हमारा मोहरी का और इसको ही हम बस एक ही कली कटिंग करेंगे। एक कली हमारी इसमें ही जुड़ी रहेगी। जैसा हम उस कली को कटिंग कर देंगे, इस कली में इधर की साइड जोड़ देंगे। अब ये हमारी कली अलग अलग हो गई। अब हम जब हम सिलेंगे तो हमारी ये 2 कली इन 2 पर्दों में, एक इसमें जुड़ जाएगी और एक इसमें जुड़ जाएगी। एक हमारी इसी में जुड़ी हुई है। सलवार बनाना भी बहुत आसान है और सलवार कटिंग करना ही बहुत आसान है।
अभी हम आसन रखेंगे। आसन है हमारा 8 इंच, यहां से हम 8 इंच पर कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा सलवार की कटिंग फाइनल। और अब हम, ये तो हो गई हमारी सलवार, अभी हमारी बेल्ट है। बेल्ट हम रखेंगे 21 इंच। रखी जाएगी हमारी बेल्ट। बेल्ट की चौड़ाई हमारी 9 इंच बिल्कुल फिक्स है और 21 इंच हमारी लंबाई में 21 इंच, चौड़ाई में हमारी 9 इंच इतनी होती है। लेकिन जो जैसा इंसान होता है उतनी रखो बेल्ट, लेकिन हम इतनी रख रहे हैं। ये हुई हमारी कटिंग फाइनल।